800 400 400, जी हाँ याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपके मैथ का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का तुरंत वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन में डाउटनेट 800 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए, फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल का फ़ोटो खींचिए, क्रॉप कीजिए, 5 सेकंड में वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्लास 6 टू 12 IIT JEE नीट CBSE और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए, तो देर किस बात की, अभी जाइए 800 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और सभी डाउट्स आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे पटवार भर्ती 2021 में जो एग्जाम हुआ था उसकी कट ऑफ क्या हो सकती है एक्सपेक्टेड। हमने एक्चुअली बहुत सर्वे किया है YouTube पे और अलग अलग YouTube चैनल से हमने अलग अलग डेटा निकाल के एक फाइनल एवरेज रेशियो तैयार किया है कि क्या हो सकती है पटवारी भर्ती की कट ऑफ। जनरल OBC ST SC EWS की YouTube के सर्वे के बाद एवरेज कट ऑफ क्या हो सकती है, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। अब चलते हैं हम आंकड़ों की ओर। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहा पा रहे हैं, हम इस वक्त बात कर रहे हैं जनरल कैटेगरी की। तो संकल्प कोचिंग द्वारा जो मेल कैंडिडेट की यहाँ पर जो सर्वे के बाद पता चला है कि मेल कैंडिडेट को संकल्प कोचिंग द्वारा यहाँ पर मेल कैंडिडेट को 204 से लेकर 207 यहाँ पे कट ऑफ दिया गया है। उसी तरीके से संकल्प कोचिंग द्वारा फीमेल कैंडिडेट की पटवार भर्ती के लिए यहाँ पे 175 से लेकर 179 कट ऑफ एक्सपेक्टेड किया है। अब बात करते हैं उत्कर्ष क्लासेस की। तो मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 209 से लेके 212 यहाँ पे उत्कर्ष द्वारा दिया गया है। अब हम उत्कर्ष उसी तरीके से फीमेल कैंडिडेट उत्कर्ष क्लास द्वारा 181 से लेके 184 यहाँ पे मिनिमम कट ऑफ दिया गया है। उसी तरीके से धवन स्टडी पॉइंट द्वारा मेल कैंडिडेट को 211 से लेके 215 दिया है और फीमेल के लिए 173 से 177 दिया गया है। उसी तरीके से क्वालिटी एजुकेशन द्वारा 208 से लेके 211 मेल कैंडिडेट के लिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए 182 से लेके 184 अंक यहाँ पे दिए हैं। अब बात करते हैं लक्ष्य क्लासेस की। तो लक्ष्य क्लासेस द्वारा 200 से लेके 204 अंक मेल कैंडिडेट के लिए है और 186 से 190 फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर जनरल कैटेगरी वालों को दिया है। लेकिन ये YouTube के सर्वे के बाद हमने एवरेज निकाला है कि यहाँ पे जो कट ऑफ जा सकती है वो 208 मेल के लिए जाएगी और फीमेल के लिए यहाँ पे 180 जाएगी। मतलब हम यहाँ पे जनरल कैटेगरी वालों की बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं ओबीसी कैंडिडेट वालों की। तो संकल्प कोचिंग द्वारा यहाँ पर मेल कैंडिडेट को 206 से लेके 210 और महिलाओं के लिए 180 से लेके 186 अंक दिए हैं। उत्कर्ष क्लासेस द्वारा 204 से लेके 208 और फीमेल कैंडिडेट के लिए 173 से 177 यहाँ पे अंक दिए हैं। धवन स्टडी पॉइंट द्वारा 200 से लेके 204 और फीमेल के लिए 181 से 185 अंक यहाँ पर दिए हैं। उसी तरीके से क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं तो मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 205 से लेके 208 और फीमेल कैंडिडेट के लिए 190 से 193 अंक दिए हैं। और लक्ष्य क्लासेस की हम बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 196 से लेके 200 और 180 लेके 186 अंक यहाँ पे दिए हैं फीमेल कैंडिडेट को ओबीसी में। तो हम एवरेज रेशियो YouTube के सर्वे के बाद निकाला है कि यहाँ पे मेल कैंडिडेट को ओबीसी में मिनी एवरेज जो हमारा आता है वो 205 अंक है और फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 178 अंक आना जरूरी है। जिन विद्यार्थियों के मेल कैंडिडेट में 205 से प्लस है तो उनका यहाँ पे सिलेक्शन होना निश्चित है या इतने हैं तो भी सिलेक्शन निश्चित है। और उसी तरीके से फीमेल की बात करेंगे तो जिनके 178 या उससे ज्यादा है तो उनका भी यहाँ पे सिलेक्शन होना निश्चित है। अब बात करते हैं ऐसी कैंडिडेट की। तो ऐसी कैंडिडेट में संकल्प कोचिंग द्वारा यहाँ पर 190 से लेके 194 कट ऑफ दिए है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 177 से 180 अंक दिए है। उत्कर्ष क्लासेस द्वारा 185 से 188 मेल कैंडिडेट के लिए और फीमेल के लिए 171 से 174 अंक दिए है। धवन स्टडी पॉइंट की बात करते हैं तो इन्होंने 180 से लेके 183 अंक दिए है और फीमेल के लिए 175 से लेके 178 अंक यहाँ पर इन्होंने अंक दिए हैं। अब बात करते हैं क्वालिटी एजुकेशन की। तो इनके द्वारा मेल कैंडिडेट को 195 से 198 और फीमेल कैंडिडेट के लिए 180 से 183 अंक दिए हैं। और लक्ष्य क्लासेस की बात करते हैं तो उन्होंने मेल कैंडिडेट के लिए 176 से लेके 180 दिए हैं और फीमेल कैंडिडेट के लिए 170 से 173 के अंक दिए हैं। तो सर्वे के बाद हमने एवरेज निकाला है। तो यहाँ पर एससी में हम बात कर रहे हैं एससी कैटेगरी की। तो एससी में यहाँ पर मेल कैंडिडेट को यहाँ पे 187 और फीमेल को यहाँ पे 172 अंक हमने एवरेज रेशियो निकाल के यहाँ पे दिया है। तो जिन विद्यार्थियों के 177 या उससे भी ज्यादा है तो वो भी अपना सिलेक्शन निश्चित ही समझे, यहाँ पे बेफिक्र हो जाए। और फीमेल की बात करें तो जिनके 172 या उससे भी ज्यादा है तो यहाँ पे उनका भी सिलेक्शन होना
निश्चित है। अब बात करते हैं एसटी कैटेगरी वालों की, तो संकल्प कोचिंग द्वारा यहाँ पर 160 से लेकर 164 और फीमेल के लिए 157 से 160 अंक दिए हैं। उत्कर्ष क्लासेस द्वारा 165 से 168 अंक मेल कैंडिडेट के लिए और 151 से 154 फीमेल कैंडिडेट को। और धवन स्टडी पॉइंट द्वारा मेल कैंडिडेट को 160 से लेकर 163 और फीमेल कैंडिडेट के लिए 155 से 158 अंक यहाँ पर दिए हैं। क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए 165 से लेकर 168 और फीमेल कैंडिडेट के लिए 150 से 153 अंक यहाँ पे दिए हैं। लक्ष्य क्लासेस की बात करते हैं तो यहाँ पे 167 से 100 यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ 170 है, ये यहाँ पे 160 नहीं हो के यहाँ पे 170 है। ओके, तो यहाँ पर लक्ष्य क्लासेस द्वारा 167 से लेके 170 अंक यहाँ पर मिनिमम दिए हैं और फीमेल के लिए 160 से 163 अंक दिए हैं। तो YouTube के सर्वे के बाद हमने एसटी कैंडिडेट के लिए एवरेज जो निकाला है वो है मेल कैंडिडेट के लिए 167 और फीमेल कैंडिडेट के लिए 152। मतलब जिन विद्यार्थी मेल कैंडिडेट में 167 से ज़्यादा है उनका भी यहाँ पे सिलेक्शन निश्चित है और फीमेल के लिए 152 से जिनके ज़्यादा है उनका भी यहाँ पे सिलेक्शन होना निश्चित है। अब बात करते हैं EWS की, तो संकल्प कोचिंग द्वारा यहाँ पर 200 से 205 अंक दिए हैं और फीमेल कैंडिडेट को 175 से 181 अंक यहाँ पर दिए हैं। उत्कर्ष क्लासेस द्वारा 195 से 199 मेल के लिए और फीमेल के लिए 168 से 172 अंक दिए हैं। धवन स्टडी पॉइंट द्वारा 193 से 197 मेल कैंडिडेट के लिए और फीमेल के लिए 175 से 181 अंक यहाँ पर दिए हैं। क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं तो इनके द्वारा 200 से लेकर 203 अंक और फीमेल के लिए 185 से 188 अंक यहाँ पर दिए हैं। अब बात करते हैं लक्ष्य क्लासेस की, तो इनके द्वारा यहाँ पर 191 से लेकर 196 अंक दिए हैं मेल के लिए और फीमेल के लिए 175 से 179 दे रखे हैं। मतलब हमने यूट्यूब के सर्वे के बाद हमें एवरेज रेशियो निकाला है कि EWS कैंडिडेट के लिए, EWS कैंडिडेट के लिए एवरेज रेशियो मेल कैंडिडेट के लिए 199 हो सकता है और फीमेल के लिए 173 हो सकता है। मतलब यह है कि जिन मेल कैंडिडेट EWS में जिन मेल कैंडिडेट की 199 या उससे भी ज़्यादा है तो वो अपने आप को सेफ जोन में कवर करें, उनका सिलेक्शन यहाँ पे होना निश्चित है। और फीमेल कैंडिडेट की 173 से ज़्यादा है जिन महिला विद्यार्थियों के, तो उनका भी यहाँ पे सिलेक्शन होना निश्चित है। तो दोस्तों जो हमने ये आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ दी है, एवरेज कट ऑफ, ये हमने YouTube के कई सारे चैनल्स का सर्वे किया है उसके बाद हमने ये निकाला है कि आपकी एवरेज कट ऑफ क्या हो सकती है। मतलब एवरेज कट ऑफ वो होगी जो सारे चैनल से निकाल के हमने उनका बीच का अंक सम्मिलित किया है या उसके बराबर का अंक सम्मिलित किया है उनकी, और जिन विद्यार्थियों के इतने नंबर बन रहे हैं जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो एवरेज हमने यहाँ पे निकाल के आपको दिया है एवरेज, वो अपने डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिए। कभी भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, सिलेक्शन होने आपका पता चलेगा आपका नंबर आ गया है और आपके डॉक्यूमेंट रेडी नहीं है, फिर डॉक्यूमेंट के लिए आपको इधर उधर भागदौड़ करना पड़े, तो इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। धन्यवाद।